सुबह के बज रहे हैं 11:30 और ट्रैफिक देखिए देहरादून में, वाह क्या जबरदस्त ट्रैफिक है। ऐसे ही भीड़ भाड़ वाले रास्तों से निकल करके हम जा रहे हैं आज एक बहुत ही शांत सी जगह, और कॉमन रूट ना होने की वजह से सब लोग वहाँ जाते भी नहीं है, तो सोचा क्यों ना आपको ये वाला रास्ता दिखाया जाए। ये रास्ता बेसिकली हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच से निकलता है, तो कई लोग जो हरिद्वार के आगे के इलाकों से आ रहे होते हैं और कुंभ मेला वगैरह के टाइम पे हरिद्वार में जाम लगता है तो ये वाला रूट लेते हैं, इसको चीला रेंज बोलते हैं, और यहाँ पे जंगल सफारी वगैरह भी होती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड और लॉन्ग ड्राइव्स के शौकीन हैं और इस रास्ते से निकलते हैं तो आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। फिलहाल तो हम ट्रैफिक में बुरी तरह से फंसे हुए हैं, तो ये सारा क्योस से आपको बचाता हूँ और सीधा मिलता हूँ आगे सपाट सड़क पे। और ये बन रहा है देहरादून का सबसे बड़ा मॉल जोगीवाला में। इससे क्या होगा कि काफ़ी देहरादून का जो ट्रैफिक है, जो यहाँ पे रहने वाले आसपास के लोग हैं जिनको पैसिफिक मॉल जाना पड़ता है, उतना ज़्यादा ट्रैफिक में टॉर्चर होते हैं, वो उनके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो वीकेंड्स पे जो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक सिर्फ मॉल्स की वजह से होता है, वो वाला ट्रैफिक कट करने में देहरादून की जनता को शायद सफलता मिले। यहाँ से बहुत व्यू जो ऐसे एकदम से वाइड एंगल खुलता है ना, ये लच्छी वाला फ्लाई ओवर क्रॉस करते ही, ये इधर अपना लेफ्ट साइड में दिख रहा है भानिया वाला और एयरपोर्ट है उधर, राइट साइड का रास्ता जो है डोई वाला और सीधी सड़क जा रही है हरिद्वार के लिए। यूजुअली यहाँ से प्लेन लैंड होते हुए या टेक ऑफ करते हुए दिखाई देता है, आज छुट्टी है क्या प्लेन्स की? भाई इतना खतरनाक चलाते हैं ना लोग हाईवेज पे, पीछे ट्रक वाले को ओवरटेक करना था, उसने अचानक से राइट टर्न ले लिया ऐसे, और राइट टर्न लेने के बाद उसके बाद फिर उंगली निकाल रहा है बाहर रुको बोल के, जिसको जैसा चलना है वो वैसा चलेगा, इसलिए अपना संभल के चलने का, ओवर स्पीडिंग नहीं करने का, मजे में रहने का। ये जो तिराहे से लेफ्ट साइड को अगर हम चले आते तो ऋषिकेश की तरफ चले आते, हम राइट मुड़ गए हैं तो हम हरिद्वार की तरफ मुड़ गए हैं। अब ये मेरे दोनों साइड जो जंगल दिखाई देंगे ये राजा जी नेशनल पार्क की धरोहर है। ये ग्रैफिटी बड़ी सुंदर बनाई है यार, ये वो हरिद्वार वाला फील आ जाता है। ये ई रिक्शा कैसे चल रहे हैं यहाँ पे भाई? मतलब ये तो हाईवे है, हाईवे पे ई रिक्शा चल रहा है। वो देखो पुराना रास्ता है, उस पुल से जाते थे पहले सब, अब ये क्या चौड़े चौड़े फ्लाईओवर बन गए। भाई ऐसी गर्मी हो गई है ना हरिद्वार में, अभी तो अप्रैल आधा भी नहीं हुआ, मई जून में क्यों क्या हाल करेगा। इधर पेड़ रहते थे ना अगर तो बढ़िया हवा चलती शायद, वो अकेला पेड़ देखो खड़ा हो, पेड़ ही नहीं है कहीं। विक्रम वाले ऐसा कट मारते हैं ना, और जो ट्रैफिक दिखाई दे रहा है ना हरिद्वार में, ट्रैफिक है नहीं यहाँ का, मतलब ये यहाँ के लिए बहुत कन्वीनियंट ट्रैफिक है। ट्रैफिक रहता था इधर तो भाई खड़े खड़े सब कुछ गीला हो जाता, मतलब पसीने से तर हो जाते आप। ये देखिए ये ऐसे लोग जब तक रहेंगे ना, कितना हाईवे फ्लाईओवर सब बना लो सक्सेस नहीं होएगा। तो भैया ये रहा वो कैनाल जिसके किनारे किनारे अब हमारा सफ़र शुरू होने वाला है। राइट साइड में आपको दिख रही है हरिद्वार की हर की पैड़ी, और ये हम भीम गौड़ा बराज से एंट्री लेंगे। गेट बंद है इसका मतलब यहाँ फोर व्हीलर्स अलाउड नहीं है, टू व्हीलर्स अलाउड हैं। वाह तो ये राइट साइड में जो दिखाई दे रहा है पानी है, बराज से कंट्रोल करके छोड़ा जा रहा है, और यहाँ लेफ्ट साइड में पूरा ऊपर तक भरा हुआ है क्योंकि ब्लॉक्ड है। ये आगे मुझे लगता है खुला होगा क्योंकि ये बाइक वाला भी तो आया है। बंद है भाई, बंद है, ये बंद है क्या? इधर किधर से जाएंगे? आगे से? अच्छा चंडीगढ़ से, फिर घूम के। लो जी गुरु जी ये तो है रास्ता बंद, तो हम जाएंगे आगे से चंडीगढ़ से घूम के। ये एक तो बाइक में मेरी रिजर्व लगा हुआ है और इन्होंने लंबा घुमा दिया। वो टॉप पे जो पहाड़ पे दिखाई दे रहा है चंडी देवी का मंदिर है, अरे ये क्या फेंक रहे हो यार नदी में।
चलो जी। चीला 8 किलोमीटर, ऋषिकेश 23 किलोमीटर। जय माँ चंडी। ये हम राजा जी नेशनल पार्क, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, उसके बीचों बीच जंगल के बीच से निकल रहे हैं। जी इसकी बैटरी ख़त्म होने को है। इतना कितना बात कर लिया यार हमने। ये यहाँ आप जंगल के अंदर ना, भरे वो ठंडी हवा अभी नहीं चल रही है, लेकिन हरी पत्तियों वगैरह की खुशबू आ रही है। मैंने अभी तक कहीं भी ब्रेक नहीं लिया है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट 100 किलोमीटर्स मैं इस सीट पर बैठ करके राइड करूँ, और साथ ही जो मैंने इसमें नई सहारा की सीट लगाई है उसका आउटपुट समझ पाऊँ। ये स्पीड ब्रेकर बहुत ज़्यादा बनाए हुए हैं जंगल के अंदर। स्पीड ब्रेकर का है राजा जी टाइगर रिजर्व, चेक पोस्ट चीला। यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड्स वगैरह बैठे हैं। ये वो जगह है यहाँ से आपको जंगल सफारी के लिए जीप्स वगैरह मिलती हैं, हाथी सफारी भी होती है यहाँ से। हाथी गजराज जी अभी यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, ड्यूटी पे निकले होंगे। लेफ्ट में मंदिर, राइट में मस्जिद। वेरी गुड, वेरी गुड। ये राइट साइड पे जो रास्ता जा रहा है, जा रहा है चीला पावर हाउस के लिए। चीला डैम भी बोलते हैं इसको। वाह, ग्रीन कलर का पानी दिखाई दे रहा है। क्या पेड़ की छांव है यार यहाँ। सो जाओ, चटाई बिछा के। बॉस व्यू आएगा यहाँ से निकलते ही। ये जो सामने दिखाई दे रहा है ना आपको हॉराइजन, एक लुक यहाँ देख लो। ये देखो पानी निकल रहा है, और अब व्यू आएगा सामने। ये है वो कैनाल जिसकी हम कर रहे थे बात। देखा, ये देखो ऐसे है ना राइड करने का मजा, क्या गजब। लेफ्ट में जंगल, राइट में कैनाल। चलो यहां से लो म्यूजिक का मजा। बैटरी हमने कर लिया रिप्लेस। पिछली बैटरी या तो गर्म हो गई है यार। पेट्रोल तो है, चिंता की बात नहीं। रिजर्व पे क्यों आ जाती है इतनी जल्दी? मैंने कई बार नोटिस किया है कि रिजर्व पे जब भी मैंने इसको फ्यूल अप कराया है तो 4-5 लीटर तो हमेशा बचे ही रहते हैं। मैंने रिजर्व पे 60 किलोमीटर ऑलरेडी चला लिया है। ये सब मछली की तलाश में चिड़ियाएं। ये विंध्यवासिनी मंदिर के लिए रास्ता जा रहा है स्ट्रेट, और ये हम चल पड़े ऋषिकेश के लिए। ये गाड़ियां ऊपर चढ़ने आ रही थी, वन वे है, जुड़ता वहीं पे ही जाके है, तो ऊपर से अगर सारी गाड़ियां चढ़ेंगी तो प्रॉब्लम होगी। ऑल राइट गाइस, गेट रेडी फॉर सम ऑफ रोडिंग। अरे पानी नहीं है, बस ऑफ रोड ऑफ रोड ही है, वरना यहाँ पे बढ़िया पानी होता है। बढ़िया बोलेंगे तो बरसात में तो इधर से पूरी नदी बहती है। थोड़ा सा हिमालयन के लिए इट्स लाइक ए केक वॉक। ये रहा उसका एक और। वाह, ये बढ़िया है। तो क्या बोलती पब्लिक, इधर एक थंबनेल हो जाए। ये जो जितने हट्स दिखाई दे रहे हैं आपको लेफ्ट साइड में, सब वन गुजर्स के घर हैं। एक बार बहुत पहले मुझे एक क्लब की तरफ से यहाँ पे पोलियो ड्रॉप के कैंपेन के लिए जाने का मौका मिला था, और जिन वन गुजर्स के घर पे हम उस वक्त गए थे वो राजा जी नेशनल फॉरेस्ट के बहुत डीप एरियाज में थे। अरे भाई मारोगे क्या? तो वहाँ इतने अच्छे से वो लोग अपने गेस्ट की खातिरदारी करते हैं। जो उनका ताज़ा दूध होता था उसका बना हुआ मट्ठा उन्होंने पिलाया, और उसमें लाल मिर्च डाल के पीने से पहले उन्होंने बोल दिया था कि भाई आप शहर वहर से आए हो तो ऐसा ना हो आपका पेट चल जाए। तो हमने कहा नहीं नहीं, इतने शहरीले नहीं हैं। वो टेस्ट मुझे आज तक याद है। इट वॉज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। और आप एक्सपीरियंस कीजिए हरा हरा पानी, बहुत ही गजब नज़र आ रहा है। और अब इस मोड़ से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कैनाल ख़त्म होने वाली है, और यहाँ सब मौत के परवाने बने हुए हैं।
भाई थंबनेल हो गया, लेकिन पसीने आ गए भयंकर वाले, इतनी गर्मी हो रही है ना यहाँ पे। आप कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि थंबनेल कैसा लगा। तो हो क्या रहा है ना प्रॉब्लम, सूरज देवता जो है एकदम सर के ऊपर है, तो वो जो लाइट का बेनिफिट मिलता है वो मिला नहीं। अब देखते हैं इसको एडिट करके कैसे ठीक कर सकते हैं। बहरहाल तो यहाँ से बाइक भगाओ भाई, ये देखो ये होता है अच्छा टर्निंग रेडियस। हो मर गए, कुछ छूटा तो नहीं। नाउ यू आर टू लेट टू रियलाइज। फ़ोन होना चाहिए और बटुआ होना चाहिए, बाकी सब आ जाएगा। तो साथियों हम बैराज के हरिद्वार वाले छोर से एंटर हुए थे, और ये देखिए पानी क्या ज़बरदस्त उछाल मार रहा है। ऋषिकेश वाले छोर से हम एग्ज़िट हो रहे हैं। मैंने हेलमेट का टॉप वेंट बंद किया हुआ था जिससे अंदर हवा नहीं आ रही थी, वो उसे अब खोलना पड़ रहा है। ये बैराज से निकलते ही सामने आपको एम्स दिखाई देगा, एम्स ऋषिकेश। इतनी तेज़ हॉर्न मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंडिकेटर दे के मोड़ा है मैंने। ये क्या कर रहे हैं, ये हमारा ही वीडियो बना रहे हैं, क्या कीजिएगा बना के भाई। जय हनुमान। भैया बगल में है यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर, और आज है हनुमान जयंती, व्हाट ए लकी डे। और हम हनुमान जी के ही मंदिर के सामने से निकल रहे हैं। हनुमान जी कृपा बरसाएं और धन्यवाद हमें अपने मंदिर के सामने लाने के लिए। ये मैं इसीलिए ऋषिकेश का रास्ता अवॉइड करता हूँ। ये ऋषिकेश अगर आप घुसे ना इधर से, इधर का ट्रैफिक ना आपको बोलता है निकल के दिखा। ओह गर्मी भाई, भयंकर गर्मी। अरे एक इंच तो बढ़ जाओ। ये सामने ब्रेजा वाले भाई की गाड़ी के मैप में दिखाई दे रहा है, रेड लाइन दिख रही है आगे ट्रैफिक की, बैंड बजेगी, क्या करेगा आदमी। वो मैं कैसे कैसे करके ना टू व्हीलर होने का फ़ायदा उठा के लेफ्ट साइड से दाब दाब के ले आया इधर, मैं आगे दिख नहीं रहा है बहुत स्पेस, मैं नहीं जाऊँगा इनके पीछे। किधर किधर से, ये तो टू व्हीलर हो, टू व्हीलर पे होने का फ़ायदा है, वरना उधर ही खड़ा रहता मैं अभी। फोर व्हीलर में बस ये आप बैठे हो अंदर एसी के अंदर, लेकिन तेल तो फूक रहा है ना बाबा। बस बस ये ना थोड़ा सा बॉटल नेक है इधर, धामी जी फ्लाईओवर मांगता है अपने को, इतने से काम नहीं चलेगा। ओए मारेगा क्या, ये लोग कब पहुंचेंगे जहाँ भी पहुंचना। भाई ऋषिकेश जा रहे हो, उधर तो पहले ही जाम लगा है। ओ हवा लगा, हवा लगा। इसी के साथ दोस्तों इस सीट पर बैठे बैठे हमें हो गए 105 किलोमीटर और 2.5 घंटे। तो बॉस अगर 2.5 घंटे तक आप किसी सीट पर बिना उतरे बैठे रह सकते हो और 105 किलोमीटर कवर कर सकते हो, जिसमें कि ये ट्रैफिक भी आया था, मैं समझता हूँ 800 रुपये में उस सीट को पूरे नंबर दे देने चाहिए। जिस तरीके की परफॉर्मेंस इस सीट ने दी, अभी हम 20 किलोमीटर और इसमें आगे बैठे रहने वाले हैं। कहीं कोई नमनेस नहीं हो रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मुझे लगता है इस सीट को पूरे नंबर मिलने चाहिए गिवन द काइंड ऑफ प्राइस इट हैज़। कुछ 700-800 रुपए की है, मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा ये कितने का मेरे को मिला है, और इसका अमेजोन का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हेलो, हाँ जी ऑफिस में हो क्या, आराम फरमा रहे हो? मैं हूँ ये यहाँ, मतलब पास ही में हूँ, आता हूँ एक चक्कर। चलो भाई गन्ने के जूस का इंतजाम हो गया, यहाँ से नहीं गौरव बाबू के ऑफिस से। इसी के साथ हमें 125 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे सीट पे। भैया मेरी तरफ से इसको 10 में से 9 नंबर। Okay.
किसकी आवाज आ रही है? वो भाई पंखे कैसे नहीं चला रखे हैं भाई बाहर तो। उफ। तो दोस्तों हिमालयन के लिए बनी है सहारा कंपनी की सीट हमारी बम के लिए बहुत बड़ा सहारा बन के आई है और ये आपके राइडिंग एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा एनहेंस तो नहीं करेगी लेकिन जितने डिस्टेंस में आपको डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाता है उस डिस्टेंस को डबल ज़रूर कर देगी। जैसे मुझे 25 से 50 किलोमीटर के बीच में डिस्कम्फर्ट शुरू होता था तो मैंने इसको 125 किलोमीटर तक एक स्ट्रेच में चलाया और उसमें बहुत ही एक थिन लेयर ऑफ कुशनिंग दी हुई है लेकिन उस कुशनिंग से वाकई में काफ़ी असर पड़ता है जो कि आपकी राइडिंग को काफ़ी ज़्यादा ईजी बनाएगा। सो दिस सीट इज़ अ गुड डील एट दिस प्राइस पॉइंट। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, अगर आपको ये सीट मंगानी हो तो आप मंगा सकते हैं। दूसरी चीज़, इस सीट के लिए पुराने रिव्यूज़ में मेंशन था कि इसमें क्रीज बन जाती है, इसको जब आप अपनी सीट पे टाई करेंगे बांधेंगे तो उस टाइम पे थोड़ा सा केयरफुली इसकी फिटिंग आपको चेक करनी पड़ेगी कि ठीक से फिट हो रही है कि नहीं, और टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, उसी के इसमें स्ट्रेच आता है। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें कोई स्ट्रेच नहीं आ रहा है, एकदम परफेक्टली फिट हो रखी है। तो उस तरह से तो आई कैन वाउच फॉर इट कि आप बेफिक्र रहें। बाकी कैसे लगी आपको हमारी चीला रेंज की राइड या हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नए एक्साइटिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। नॉटी ट्रैवलर NAUTI NN